लोग भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जैसे कि ए ग्रेड परफॉर्मेंस 89% और ये स्ट्रक्चर 98% और एलसीपी जो होगा लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट, यानी कि जो सबसे बड़ा इमेज होगा आप लोगों के होम पेज का, चाहते हैं वो इस सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर लोड हो जाए आपकी वेबसाइट पूरी, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और मैं आप लोगों को गूगल पेज स्पीड इनसाइट का भी दिखा देता हूँ। मोबाइल में देख रहे हैं तो 69 दिखा रहा है, डेस्कटॉप में 91 दिखा रहा है। तो इस स्पीड को आप लोग कैसे पा सकते हैं आज के दिन इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए। और SEO ब्लॉग लर्नर चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस घंटे के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर जरूर टिक करना, ताकि नई और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के जरिए। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा WP रॉकेट में यूज कर रहा हूँ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, और ये एक जॉब वेबसाइट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो WP रॉकेट है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 299 रुपीज में आप लोगों को वो एक WP रॉकेट मिल जाएगा, और जो कि ये लाइफ टाइम अपडेट के साथ में रहेगा। तो आप लोगों को अब आगे बताता हूँ कि क्या करना है। जब आप लोग इस प्लगइन को बाय कर लेंगे तो आप लोगों को इंस्टॉल कर देना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। पता नहीं कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। लेकिन इंस्टॉल करना बहुत आसान है, आप लोगों को प्लगइन सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके प्लगइन को अपलोड कर देना है और फिर इंस्टॉल अपडेट और एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सेटिंग में यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में आप लोगों को WP रॉकेट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग जैसे WP रॉकेट में आएंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप लोगों को सबसे नीचे एड ऑन में जाना है, एड ऑन में नहीं, यहाँ पे टूल जो लिखा हुआ है टूल्स के अंदर जाना है, और जो ये फाइल जो होगा इसका जो पूरा सेटिंग जो मैंने किया है इस वेबसाइट में, पूरा का पूरा सेटिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोगों को सेटिंग कैसे मिलेगा, आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा, और जिन लोगों को ये सेटिंग चाहिए बोलना कि मुझे इंस्टाग्राम WP रॉकेट का सेटिंग चाहिए, तो मैं आप लोगों को WP रॉकेट का ये जो सेटिंग है दे दूंगा। तो आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये जो इंपोर्ट सेटिंग का बटन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और फिर अपलोड फाइल के ये जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो जो सेटिंग इस वेबसाइट में है वही सेम सेटिंग आप लोगों की वेबसाइट में हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो होस्टिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है होस्टिंगर की होस्टिंग, और प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान में यूज़ कर रहा हूँ शेयर्ड का। तो इस तरह से इसके अंदर ये स्पीड देखने को मिल रहा है, ये स्कोर देखने को मिल रहा है जो आप लोगों को मैंने दिखाया था। अब कुछ और जरूरी बातें, अब आप लोगों को मालूम पड़ गया कि प्लगइन कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है, और बाय करने के बाद कैसे ये सेटिंग को इम्पोर्ट करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जब इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल नहीं किया था तो उस टाइम पे मेरी वेबसाइट का स्कोर क्या था। तो देखिए सबसे पहले तो GT मैट्रिक्स में चलते हैं, और यहाँ पे देख रहे हो तो GT मैट्रिक्स में आने के बाद यहाँ पे देख रहे हो तो ई दिखाई दे रहा था, ग्रेड जो है वो ई था। परफॉर्मेंस देख रहे हो तो 48% था, स्ट्रक्चर 73 था, और LCP यानी कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो हो रहा था हमारे वेबसाइट में वो 5.3 सेकंड ले रहा था, जो कि बहुत ही स्लो था। और यहाँ पे TBT जो था वो 83 ms ले रहा था, और ये तो ठीक है। तो ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और दिखा देना चाहता हूँ। देखिए स्पीड विजुअलाइजेशन में हमारी जो वेबसाइट लोड होने में 3.4 सेकंड पे स्टार्ट होता था TTFB दिखाने के लिए, यानी कि इस टाइम पे हमारा वेबसाइट का कुछ प्री लोडिंग स्टार्ट होता था दिखना। उसके बाद 8.4 सेकंड में पूरा वेबसाइट फुल्ली लोड हो जाता था। अब यहाँ पे अब मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ कि जब मैंने प्लगइन को सिर्फ इंस्टॉल किया था WP रॉकेट को, तो देखिए क्या यानी कि क्या हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जो कि पहले था 5.3 सेकंड यहाँ पे ले रहा था लोड होने के लिए, और जो कि अब 2.1 सेकंड ले रहा है लोड होने को, यानी कि प्लगइन पूरा इंस्टॉल एक्टिवेट करने के बाद। तो देख रहे हो तो सी ग्रेड पे आ गए हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो 3.9 सेकंड में पूरी वेबसाइट लोड हो रही है। अब जो दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखिए यहाँ पर, अब ए ग्रेड में यानी कि पूरा सेटिंग जब मैंने कर दिया तो ए ग्रेड आ गया, यानी कि नंबर 1 पर अब हमारी वेबसाइट का स्पीडिंग जो स्पीड स्कोर है वो 90 हो गया परफॉर्मेंस स्कोर, और 98% हो गया स्ट्रक्चर, और LCP जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा जो हमारा वेबसाइट जो है वो लोड हो जाता था 1.4 सेकेंड में ही। और आप लोगों को बता दूं कि TBT जो है हमारा 4 ms हो गया, और 0.01 का ये CLS हो गया। उसके बाद जब हम लोग ने आखिरी बार और एक बार चेक किया लास्ट में, तो सिर्फ इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला, बाकी सब कुछ सेम था, कुछ भी और ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तो देख रहे हैं तो परफॉर्मेंस में सब कुछ सेम है, सिर्फ ये वाला एक परफॉर्मेंस का जो हमारा ये था
वो 1% सिर्फ कम हो गया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा ए ग्रेड है और 1.6 ये 0.3 से लेकर के 1.6 के अंदर ही हमारा वेबसाइट पूरी तरह से लोड हो जा रहा है। अब हम लोग गूगल पेज स्पीड इंसाइट में जाते हैं और यहाँ हमारा जितना भी मैंने जब टेस्ट किया था ये पहले का है, जब मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया था कोई भी कैसे प्लगइन, तो 26 था मोबाइल में। और फिर आप लोगों को मोबाइल में ही जब इंस्टॉल किया था प्लगइन को तो 30 दिखा रहा था, फिर जब कुछ सेटअप कर दिया तो मोबाइल में ही 75% हो गया, फिर जब मैंने इसको पूरी तरह से लोड कर दिया तो 69 ये इतना तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहेगा कि 75 का 75 ही हर बार आएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को अब डेस्कटॉप मोड में दिखाता हूँ गूगल पेज स्पीड इंसाइट में क्या स्कोर था जब मैंने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया था। तो देखिए 81% था जब प्लगइन इंस्टॉल नहीं था, तो डेस्कटॉप में मेरा वेबसाइट पहले से ही अच्छा था लेकिन मोबाइल में अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैंने प्लगइन को इंस्टॉल किया तो देख रहे तो डेस्कटॉप में 79 दिखाया प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, लेकिन जब सेटअप कर दिया तो 75 डेस्कटॉप में 91 दिखाने लग गया जब मैंने प्लगइन को पूरा सेटअप कर दिया। उसके बाद जब मैंने और एक बार चेक किया तो देखिए क्या स्कोर दिखा रहा है डेस्कटॉप में, 91, यानी कि डेस्कटॉप में पूरा सेम टू सेम दिखा रहा है जब मैंने आखिरी बार और एक बार कन्फर्म किया। तो इस तरह से हम लोगों को इसके अंदर 91% देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को एक और लास्ट में जरूरी चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी अपनी वेबसाइट में कुछ इसी तरह का परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, फास्ट वेबसाइट चाहिए आप लोगों को, तो इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपने जब प्लगइन का ये जो ऑप्शन है जहाँ पे मैंने बताया कि इसके अंदर कैसे आना है, तो यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडवांस, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे आना है, क्लाउड फ्लेयर का ये जो ऑप्शन है एडऑन स्टेटस ये ऑफ होगा, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करके ऑन कर लेना है। फिर मॉडिफाई ऑप्शन के बटन पे क्लिक कीजिए, इसके अंदर आप लोगों को क्लाउड फ्लेयर का क्रेडेंशियल देखने को मिलेगा, तो ग्लोबल API की अकाउंट ईमेल और जोन आईडी, ये तीनों चीज़ें क्या है मैं बता देता हूँ, और कैसे आप लोगों को ये मिलेगा क्लाउड फ्लेयर से वो भी मैं बता देता हूँ। तो क्लाउड फ्लेयर में सबसे पहले तो आप लोगों को एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को अपनी वेबसाइट को इस क्लाउड फ्लेयर के साथ में कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट कर लेंगे आप लोगों अपने क्लाउड फ्लेयर को अपने वेबसाइट के साथ में, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेस इस तरह से लिखा हुआ दिखाई देगा, ग्रेट न्यूज़ क्लाउड फ्लेयर इज नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट। तो इस तरह से आप लोगों को जब दिखाई देने लग जाएगा मैसेज, तो अब आप लोगों को क्या करना है देख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल API की पूछ रहा है, तो ग्लोबल API की डालना होगा, ये कहाँ से मिलेगा वो भी बताऊंगा, अकाउंट ईमेल और जोन आईडी, तो ये दो चीज़ें तो आसानी से मिल जाएगी, ये भी चीज़ ये अकाउंट ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। अकाउंट ईमेल क्या है कि जब आप लोग अकाउंट बनाते हैं क्लाउड फ्लेयर पे जिस जीमेल आईडी का यूज करके, उस जीमेल आईडी को आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ग्लोबल API की क्या है वो भी मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ, और जोन आईडी, तो सबसे पहले जोन आईडी की दिखा देता हूँ फिर ग्लोबल API की बताऊंगा, और दोनों को यहाँ पे डालने के बाद आप लोगों को सेव के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को चेक कर देना, ऑन कर देना और लास्ट में नीचे सेव कर देना। तब आप लोगों को जॉब यहाँ पे ये जो क्लाउड फ्लेयर है, क्लाउड फ्लेयर पर आने के बाद आप लोगों को जो भी डोमेन होगा आप लोगों को उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सबसे नीचे यहाँ पर आना है, तो जोन आईडी आप लोगों को ऊपर ही दिख जाता है API वाले ऑप्शन के अंदर, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड में ये जो साइड बार है इसी में आप लोगों को ये जोन आईडी दिख जाता है, तो इसको कॉपी करके जहाँ पर मैंने बताया जोन आईडी को जोन आईडी में लिखना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ग्लोबल API की था वो कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर देख रहे तो लिखा हुआ है गेट योर API टोकन, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख रहे तो ग्लोबल API की लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करके, यानी कि ये जो व्यू का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक API की मिलेगा, जिसको आप लोगों को यहाँ पर जहाँ पर मैंने बताया था उसको वहाँ पर एंटर करना है। जैसे इस पर व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आप लोगों ने क्लाउड फ्लेयर में अकाउंट बनाते टाइम पे जो पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को आप लोगों को लिखना है। पासवर्ड को लिखते ही आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एक कैप्चा आएगा, कैप्चा भर दीजिए, फिर एक कोड दिखाएगा जो कि ग्लोबल API की होगा, उसको आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है जहाँ पर मैंने बताया था, और फिर आप लोगों का सब कुछ हो गया है सेटअप। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये जो WP रॉकेट का जो पूरा सेटिंग है जिसको चाहिए, जो लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में, जो लोग अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस फास्ट करना चाहते हैं, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं उन लोगों को ये सेटिंग बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। लेकिन WP रॉकेट जिन लोगों को खरीदना है, जिन लोगों को पता नहीं कि WP रॉकेट कहाँ से खरीदे चीपेस्ट प्राइस में GPL लाइसेंस वाला और लाइफ टाइम अपडेट के साथ में, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग क्लिक करके 299 रुपीस में बाय कर लेना। लेकिन आप लोगों को एक डिस्प्ले पे एक कूपन कोड दिख रहा होगा आई लर्न टेक, ये मेरा एक चैनल है, ये कूपन कोड डालेंगे तो आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाएगा उस 299 रुपीस प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सोच के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।